क्या तुम बीच में मत आओ, हम बोल दिए बीच में मत आओ लौड़ा, हम बोल दिए जल्दी ना, लेके निकल जल्दी, लेके निकल सवाल हो गया बेदून जल्दी से फाड़। बिहार में शराबबंदी मजाक बन गई है। जब भी शराबबंदी को लेकर के प्रश्न उठता है तो मजाक वाली बात में बिहार के तमाम खबरों में शराबबंदी छपती है। जी हां, शराबबंदी पे जितनी सख्त कार्रवाई होती है, शराब की लगातार उतनी ही खेपें और उतनी ही शराब बरामद होती हुई नजर आती है। एक तरीके से कहीं ना कहीं बिहार में शराबबंदी मजाक होती हुई नजर आ रही है। शराबबंदी के बावजूद शराब की होम डिलीवरी के साथ साथ शराब की बरामदी कहीं ना कहीं इस बात का दावा करती है कि बिहार में शराबबंदी फेल हुए। आज हम आपको एक तस्वीर दिखाने जा रहे हैं जिसको देख करके आपको आपके होश उड़ जाएंगे। बंगाल और बिहार के बॉर्डर पर डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद के गृह जिले कटिहार में ट्रेन से शराब की खेप पहुंच रही है। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। दिन के उजाले में ही यहां शराब भेजी जा रही है। यहां सिग्नल या क्रॉसिंग के चलते जैसे ही ट्रेन रोकती है शराब की खेप उतार ली जाती है। कई बार चेन पुलिंग भी कर दी जाती है। ट्रेन नहीं भी रुके तो स्पीड कम होने पर तस्कर चलती ट्रेन से मानिया रेलवे गुमटी के बगल से शराब उतार लेते हैं। तस्वीरें देखिए, कटिहार बंगाल और बिहार के बॉर्डर पर है। यहाँ से बंगाल 15 किलोमीटर दूर है। इसी का फायदा उठाकर तस्कर शराब की तस्करी करते हैं। मानिया हल्ट कटिहार जंक्शन से महज कुछ किलोमीटर पर है। यहाँ रोज बंगाल से आने वाली ट्रेनों से शराब की बड़ी खेपें लाई जाती हैं। धीमी गति से चलती ट्रेन से ही शराब की खेप को उतार लिया जाता है। कभी कभी मानिया स्टेशन से पीछे बंगाल से आने वाले ट्रेनों को रोक दिया जाता है। इसके बाद तस्कर अपने कैरियर के जरिए शराब को ट्रेन से उतारते हैं। शराब तस्करों का रैकेट काफी मजबूत है। शराब तस्करी के कारनामे को देखकर उत्पाद विभाग के अधिकारी भी हैरान है। इस पर बड़ी कार्रवाई का भरोसा दे रहे हैं। उत्पाद अधीक्षक ने कहा है इसे लेकर रेलवे प्रशासन से बातचीत कर विशेष रणनीति बनाई जाएगी। शराब तस्करी के गढ़ कहे जाने वाले मनिया स्टेशन और बंगाल से आने वाले ट्रेनों में विशेष निगरानी होगी। शराब तस्करी के इस पूर्वी कॉरिडोर पर लगाम लगाना सरकार के लिए बड़ी चुनौती है। तो तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, ये डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद के गृह जिले कटिहार का है, जहां पे शराब तस्कर किस प्रकार से बंगाल से सटे होने के कारण बंगाल से आने वाली ट्रेनों में जो शराब आते हैं, देखिए किस प्रकार से बैग में भर के। इतना ही नहीं, यहाँ पे बच्चे भी हैं, बूढ़े भी हैं, जिन बच्चों को रोजगार करना चाहिए, ये बच्चे आज शराब की होम डिलीवरी करने के लिए, शराब की ये तस्करी करने के लिए बैगों में भर भर के बंगाल से आने वाली ट्रेनों से शराब निकाल करके जो है वो शराब की होम डिलीवरी कराते हैं। कहीं ना कहीं ये सिस्टम पे, कहीं ना कहीं ये शराबबंदी के सिस्टम पर एक जोरदार तमाचा है इस तरीके का तस्वीर। अब इस पे अधिकारी क्या कार्रवाई करते हैं ये तो देखने वाली बात होगी, लेकिन ये तस्वीरें कहीं ना कहीं विचलित और हैरान करने वाली ज़रूर है। तमाम खबरें हम आपको देते रहेंगे, हमारे साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद।